नहीं आते हैं बाज घर टोली से कोटेदार, नहीं रुक रहा है भ्रष्टाचारी, जिम्मेदार अधिकारी भी जानकर बन रहे हैं अनजान। ताजा मामला जनपद बहराइच के विकास खंड मिहीपुरवा ग्राम पंचायत आंडगुड़वा का है, जहां पर कोटेदार धनदेही की चल रही है खुल के मनमानी। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी, कोटेदार एक यूनिट पर 4 किलो देते हैं राशन। इस बारे में कोटेदार धनदेही से जानकारी ली गई तो कोटेदार से मिली जानकारी कि आगे से ही कमाता है, इसीलिए प्रति यूनिट पर हम 4 किलो देते हैं। किस तरह गरीबों का राशन लूट रहे हैं कोटेदार, इससे अंदाजा यही लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी की मिलीभगत से ही कोटेदार का मन बढ़ रहा है। किस तरह गरीबों का हक लूटने में लगे हैं कोटेदार, अब देखना यह है ऐसे कोटेदार पर शासन प्रशासन किस तरह नकेल कसती है या फिर कोटेदारों को बढ़ावा देती है। हमारे संवाददाता अहमद हुसैन के साथ राजीव कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। विकास खंड मिहीपुरवा के ग्राम पंचायत अड़गुड़वा में खड़े हैं, जहां पर काफी ग्रामीणों की समस्या कोटेदार की खुल करके देखने को मिली है मनमानी। यानी ग्रामीण जो कोटेदार के यहाँ जाते हैं, गल्ला नहीं मिलता, वहाँ ताला लगा देखते हैं, ग्रामीण वापस लौट के आ जाते हैं। यानी खुली चैलेंज के साथ में कोटेदार एक यूनिट पे पर यूनिट पे 4 किलो ग्रामीणों को दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि इतना ही आता है उतना ही हम देंगे, भले कोई जी हो जाए हम उतना ही देंगे। कस्टमर भंदे, किस ग्राम पंचायत से कोटेदार हैं आप? अड़गुड़वा। ब्लॉक कौन सा है आपका? मिहीपुरवा। ये कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कोटेदारी आपसे, ये जो ग्रामीण आप पर आरोप लगा रहे हैं कि 4 किलो गल्ला प्रति यूनिट पे देते हैं, क्या उसमें क्या रीजन है, क्या कारण है? आप कारण का जैसे हमका काटा करके गल्ला मिले। हाँ। नहीं नहीं, तो क्या ऊंचे अधिकारी बताते हैं कि आप 4 किलो दीजिए? ऊंचे अधिकारी का जैसे कम पड़ा था बोरियन में है जी, तो वहाँ अपन तो आप 4 किलो प्रति यूनिट पे देते हैं। यानी ग्रामीणों के द्वारा हमको जानकारी ये मिली है कि कोटेदार के यहाँ से हमको 4 किलो प्रति यूनिट पे मिलता है, क्या उस बात का क्या कारण है, किस लिए जो 4 किलो दिया जा रहा है? 4 किलो यानी इसके बारे में जो है अधिकारी भी आपसे कहे हैं कि 4 किलो कहे गंगाराम। कौन सा ग्राम पंचायत है? बालापुर। कोटेदार आपके कौन हैं? यानी धनदेह के नाम से कोटा। अच्छा ये बताइए चाचा, आपके पास यूनिट कितने हैं? एक यूनिट पे आपको गल्ला कितना देते हैं? 4 किलो। 4 किलो। इस बारे में कोटेदार से आपने कहा कि 4 किलो कम क्यों दे रहे हो, 4 किलो का क्यों दे रहे हो, आपने कहा कोटेदार से? 200 खेवा कहा जाता, तो फिर क्या कह रहे हैं? कहते 4 किलो सबको नियम है, 4 किलो नियम है। कौन ग्राम सभा है? कोटेदार का क्या नाम है? अच्छी राम। कितना यूनिट है आपका? 4 किलो। नहीं नहीं, यूनिट कितना है? 2 हमारे। तो कितना गल्ला आपको मिलता है? 8 किलो। मतलब 2 यूनिट पे भी काटते हैं? एक एक यूनिट पे 1 किलो काटते हैं। अब नहीं जाना भैया, मतलब 2 यूनिट पे 8 किलो आपको मिलता है। ठीक। अर्चना। अर्चना कौन सा ग्राम पंचायत है? ये गांव कौन सा है? कोटेदार आपके कौन है? कौन है कोटेदार? धनदेही। आपके पास यूनिट कितने हैं? बस तो यूनिट है अरे 10 ठोकर। हाँ। 10 आदमी ने खेल दिए। अच्छा, आपको एक यूनिट पे कितना गल्ला कोटेदार दे रहे हैं? 4। एक यूनिट पे 4 किलो दे रहे हैं। हाँ। आपने इसके बारे में कोटेदार से कुछ कहा कि 4 किलो कम, 4 किलो क्यों दे रहे हो? कहा जाता तो अपन करना है, कहा यानी कह रहे हैं इतना ही आता है। स्टामर। आपका भाई साहब? अर्जुन। अर्जुन कौन सा ग्राम पंचायत है ये? अड़गुड़वा भागपुर। आप कहाँ गए थे? राशन लेने।
राशन लेने गए थे जी। तो क्या हुआ? कोटेदार पानी लगा हुआ था, कहने बाद मलाई। अच्छा, ताला लगा है। आपके पास यूनिट कितने हैं? 3 यूनिट। आपको गल्ला कितना मिलता है? 12 किलो। एक यूनिट पर कितना देते हैं? 4 किलो। 4 किलो। उस बारे में आपने कोटेदार से कुछ कहा? कई बार कहागा तो यही कहा था कि कम भैया मिला था तो कम हम यहाँ दी है। अच्छा, कई कई बोरी हमारे सामने तो ली गई है तो उसमें 38 किलो 42 किलो। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत बालापुर अलगड़वा। बालापुर अलगड़वा। आपके कोटेदार कौन है? धंदे। यानी ये बताइए चाचा, आपको एक इनुट से गल्ला कितना मिलता? 4 किलो, कुल 4 किलो। इनुट आपके पास कितने हैं? हमारे पास तो 2 इनुट। 2 इनुट है। आपको कितना देते हैं 2 इनुट पे गल्ला? 8 किलो। 8 किलो।